दोस्तों, अपनी महानायक वाली छवि को भुनाकर करोड़ों कमाने वाले अमिताभ बच्चन को एक्टर शेखर सुमन ने जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत पर कुछ नहीं बोला है, और ये अमिताभ की फितरत भी है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव तो बहुत रहते हैं, लेकिन किसी सोशल कॉज पर बोलने में उनके होंठ सिल जाते हैं। इतना बड़ा अभिनेता और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी, चूंकि आज का यूथ खुलकर रिएक्ट करता है, इसीलिए बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरों के साथ अमिताभ भी निशाने पर हैं। बहरहाल, अब आपको असली खबर बताएं, जिसको सुनकर आप शेखर सुमन के मुरीद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, अभी तक की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाज 3000 मील दूर तक सुनी गई, और इनकी तरंगों ने ग्लोब के 3 चक्कर लगाए। यह ध्वनि तरंगे एक पुराने ज्वालामुखी क्रेकोटा से निकली थीं। 27 अगस्त को वो पर्वत फट गया 310 डेसिबल। इंसान के ईयर ड्रम 150 से 160 डेसिबल पर फट जाते हैं। तो दोस्तों, अमिताभ ने पृथ्वी के किसी कोने में एक ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न भयंकर आवाज पर रिएक्ट किया। मगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार मुखर शेखर सुमन को ये ट्वीट एक लिहाज से अखर गया। शेखर सुमन ने अमिताभ बच्चन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाज सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की है, जो भारत में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए इतनी जोर से गरजे कि ध्वनि की तरंगों ने ग्लोब के लाखों चक्कर लगाए और अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। मतलब भैया, उम्र और कद के लिहाज से तुम फिल्म इंडस्ट्री के पितामह लगते हो। तुम्हें तो संरक्षक कहा जाना चाहिए बॉलीवुड का। बॉलीवुड के बाहर की बात तो छोड़ो, आज जब बॉलीवुड का ही एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत रहस्यमय तरीके से चला गया, तुम्हारी आवाज नहीं निकली। इतना बड़ा यूथ मूवमेंट सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ और तुम अमित जी लव्स बीका जी करते रह गए। चड्डी बनियान से लेकर चंपी मालिश वाले तेल तक, और वॉशिंग पाउडर से लेकर सोना गिरवी रखने वाले मुथूट तक, अपने कद के हिसाब से विज्ञापन का चयन तो कोई पैमाना नजर नहीं आता, मगर अमिताभ बच्चन साहब सामाजिक मुद्दों के चयन में एक ऐसा पैमाना रखते हैं जो बहुत छोटा है, और इसी वजह से 7 फीट लंबे अमिताभ बच्चन का कद बड़ा होता नहीं दिखता। टेस्ट रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।